सियासत को लेकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है, अजीत पवार को 35 एमएलए का समर्थन है। अजीत के पास सभी 35 विधायकों के सिग्नेचर है, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। और ये भी खबर सामने आ रही है कि 7 और विधायक अजीत पवार के साथ आ सकते हैं। तो 35 विधायकों का समर्थन अजीत पवार को है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। और ये भी बात सामने आई है कि इन 35 एमएलए के सिग्नेचर अजीत के पास हैं। और उसमें एक और बड़ी खबर ये कि 7 और विधायक अजीत के साथ आ सकते हैं, यानी कुल 42 विधायकों का समर्थन अजीत पवार को है। ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। फिलहाल 35 विधायकों के सिग्नेचर अजीत के पास हैं और 7 और विधायक अजीत के पास आ सकते हैं, उनका समर्थन जुटा सकते हैं। ये भी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। और इसी के साथ देखिए एक और बड़ी खबर, लगातार जो है अपडेट्स महाराष्ट्र की उठा पटक को लेकर। अजीत पवार के घर मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर चर्चा हुई, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई। इसके अलावा अजीत गुट के चीफ व्हिप बने रहेंगे अनिल पाटिल चीफ व्हिप बने रहेंगे अजीत गुट के, ये बड़ी खबर सामने आई है। उधर और मेरे दो सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, इंद्रजीत सिंह और विनोद जगदाले, दोनों ही सुबह से लगातार हर बड़ी खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। तो विनोद, पहले मैं आपके पास आ रही हूं, बहुत बड़ी खबर विनोद सामने आई है, 35 विधायकों के सिग्नेचर अजीत के पास हैं, अजीत पवार के पास, और 7 विधायक और समर्थन में आ सकते हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो 35 विधायक है वो अजीत पवार के साथ फिलहाल मौजूद है, मतलब अजीत पवार के साथ है, और 7 विधायक और उनके साथ वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आज सुबह जो बैठक हुई उस बैठक में ये तय किया गया है कि अनिल भाईदास पाटिल जिन्हें मंत्री बनाया गया है वही पार्टी के व्हिप है और वही व्हिप पर बरकरार रहेंगे, और गुट नेता के तौर पर विधिमंडल का जो गुट नेता है वो अजीत पवार है, तो दोनों के आदेश सबको लागू होंगे। और इस प्रकार की जानकारी इन विधायकों को दी जा रही है कि पार्टी उनके पास ही है, पार्टी के वही जो विधिमंडल के गुट नेता बने रहेंगे और व्हिप अनिल पाटिल ही बने रहेंगे, उनका जो भी फैसला होगा वो सभी विधायकों को वहाँ पर मान्य करना पड़ेगा। और यहाँ से अंदर से बंगले के अंदर से फोन जा रहे हैं, तमाम जो विधायक है उन्हें जा रहे हैं, इसके अलावा प्रदेश के जो प्रतिनिधि है उनको भी 5 तारीख की बैठक के लिए निमंत्रित किया जा रहा है। और इसके अलावा जो बाकी बके जो सांसद हैं, चाहे राज्यसभा हो और चाहे लोकसभा हो, उन सभी को यहाँ पर बुलाने की कोशिश 5 तारीख की बैठक में यहाँ पर चल रही है। खुद अजीत पवार ने आज सुबह अपने जो मंत्री हैं उनके साथ ये बैठक की है। अब फिलहाल कोई विधायक अंदर मौजूद नहीं है, जो भी विधायक आ रहे हैं वो पूर्व विधायक या कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच रहे हैं।